तो अब चलो शुरू करते हैं एनिमल सेल, और तुरंत ही फटाफट बनाना है। एनिमल सेल को हम बनाने के लिए ऐसा भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं या फिर सर्कुलर भी ले सकते हैं। तो कम ऑन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगा, सो वी कैन टेक स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल्सो, आपकी मर्जी जैसा आपका डायग्राम शेप आप डिसाइड कर सकते हो। सो यहाँ पे पहला जो लेयर हो गया वो हो गया आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल है तो उसके पास होगा गोल सा बीच में न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस को हम यहां बनाएंगे मास्टर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कवर होगा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दैट वी विल सी इन द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। अब चूंकि हर न्यूक्लियस में होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एवरीवन लिसन केयरफुली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होंगे, दोज हु हैव राइबोसोम, दोज हु डज नॉट हैव राइबोसोम। यहां पे कुछ नहीं है, कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी जल्दी बनाना है डायग्राम, ओके। अब एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बना लेती हूं ऐसे, सपोज ओके। सो इसमें मैंने बना दिया छोटे 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज राइबोसोम। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिना टाइम को वेस्ट किए डायग्राम को करना है लेबल, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। वैसी मतलब इसके पास होगा गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी का डायग्राम मैं बना देती हूँ ऐसा, ओके। ये हो गया गॉल्गी बॉडी, साथ में हो जाएगा वैक्यूल। बट एक बात का ध्यान रखना है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा 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 होगा और बहुत सारा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना देंगे हम वैक्यूल, ठीक। अब ये हो गया वैक्यूल, वैक्यूल के साथ बॉल जैसे स्पेलिंग बिल्कुल गड़बड़ ना होने पाए, यहाँ पे छोटे 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 क्या होंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, दे आर नोन एज राइबोसोम्स। और साथ में इसके पास होगा एनर्जी क्रिएट करने वाला सेल, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया।